तो अभी मैं पहुंच रहा हूं साहिबाबाद आरआरटीएस रेलवे स्टेशन और आज यहां से मैं पहली बार एक्सपीरियंस करने वाला हूं रैपिड ट्रेन को जिसकी अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर पर आवर की है। चलो फाइनली पहुंच चुके हैं साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन और यहां से आज पहली बार मैं एक्सपीरियंस करने वाला हूं आरआरटीएस ट्रेन को। अक्टूबर में इसका इनॉग्रेशन हुआ था पर उस टाइम पे मौका नहीं मिला इसमें ट्रैवल करने का, लेकिन आज फाइनली मौका मिल रहा है। आज मैं इस तरफ आया था तो सोचा क्यों ना एक एक्सपीरियंस जो है वो लेते हैं इस आरआरटीएस ट्रेन का। हालांकि इस ट्रेन की रफ्तार जो है वो 160 किलोमीटर पर आवर पे सेट की गई है, पर फिलहाल अभी ये ट्रेन जो है वो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ऑपरेट करती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारे इंडियन रेलवे की जो ट्रेन्स है वो गतिमान की बात करूँ या फिर वंदे भारत की बात करूँ तो 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में ऑपरेट करती है, पर ये एक रैपिड रेल 160 की रफ्तार में ऑपरेट करने वाली है। इसमें पहली बार एक्सपीरियंस करने वाला हूँ और इसको ना नमो भारत ट्रेन के नाम से भी लोग जानते हैं। बिल्कुल शाम का वक्त हो चुका है, सूरज डूब चुका है और हमारे पास थोड़ा टाइम कम है। हालांकि जर्नी जो है बहुत लंबी नहीं होने वाली है, अराउंड 30 मिनट में जर्नी कवर हो पाएगी, तो पूरा दिन के वक्त में ही आपको सब कुछ देखने को मिलने वाला है। फिलहाल ये एंट्री साहिबाबाद आरआरटीएस का और ये देखो ऐसे एंट्री मिलती है इस रैपिड मेट्रो के स्टेशन पे। बाकी मैं तो पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, बाकी सत्या भाई ऑलरेडी एक बार ट्रैवल कर चुके हैं, कुछ अलग लगा क्या? बहुत कुछ अलग है भाई, मजा आएगा। अच्छा चलो ठीक है, मतलब मैं तो मतलब काफ़ी खुश हो गया जब आया था, मुझे बिल्कुल याद भी नहीं था, पर मैंने याद दिलाया कि यहाँ पे चलते हैं एक बार, आप एक बार एक्सपीरियंस करो, मज़ा आने वाला है। तो हम चले यहाँ पे और देखते हैं बाकी एक्सपीरियंस जो है वो कैसा होता है। बाकी स्टेशन बहुत ही साफ़ सुथरा है, सीढ़ियाँ तो है ही, आपको एस्केलेटर जो है वो मिल जाएगा, साथ ही साथ लिफ्ट जो है वो भी दिया हुआ है ऊपर आने के लिए। तो बाकी चलो अपना टिकट जो है वो लेते हैं, टिकट वेंडिंग मशीन जो है वो भी दी गई है यहाँ पे, तो कोई अलग से टिकट नहीं मिलेगा आपको। यहाँ से आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से टिकट जो है वो ले सकते हो, मेरे ख्याल से UPI का ऑप्शन भी होना चाहिए यहाँ पे। ये हो गया बाई टिकट प्रीमियम, चलो ठीक है प्रीमियम। और ये तीन स्टेशन, हाँ दोहाई तक ही जा सकते हम ना, दोहाई डिपो स्टेशन 100 rupees है ना। चलो तीन टिकट जो है वो लेने में UPI लेते हैं, 300 rupees जो है वो हमारे तीन लोग के लगने वाले हैं इसमें, चाहे यहाँ से पेमेंट जो है वो करनी होती है 300 rupees। चलो ये देखो पेमेंट हो गया और टिकट मेरे ख्याल से यहाँ से निकल जाएगी, टिकट जो है वो आ गई, तीन टिकट प्रीमियम टिकट 100 rupees each। स्टेशन काफ़ी खाली लग रहा है, मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं है, बिल्कुल खाली है फिलहाल तो चलो अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो करने को मिलेगा अभी यहाँ पे। अच्छा देखो अगर मैं आपसे रूट की बात करूँ तो फिलहाल तो ये जो साहिबाबाद से दोहाई डिपो स्टेशन है यहीं तक की जो रूट है वो खुला हुआ है, बाकी फ्यूचर में आप जंगपुरा सराय काले खां होते हुए साहिबाबाद गाज़ियाबाद और मुरादनगर मोदीनगर होते हुए आप पहुँचेंगे मोदीपुरम डिपो जो कि मेरठ के आगे का स्टेशन होगा, और ये पूरा रूट जो है अराउंड 80 किलोमीटर का होने वाला है। और ये 80 किलोमीटर का जो सफ़र है ना वो एक घंटे से भी कम में आप कवर कर पाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात होने वाली है और लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है इससे। तो देखो ये खड़ी है अपनी आरआरटीएस ट्रेन, नमो भारत ट्रेन, और इनिशियल इम्प्रेशन वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है यार। और हम जर्नी कर रहे हैं प्रीमियम क्लास में, तो ये मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर फिर से एक बार अपना टिकट जो है वो स्कैन करना पड़ेगा। चलो तो ये मेरे ख्याल से प्रीमियम क्लास होने वाला है। चलो इसके दरवाजे जो है वो तो बंद हो चुके हैं, अभी सोच रहे हैं कि आराम से इसके बाद वाली जो ट्रेन है उसमें हम बैठेंगे। 15 मिनट के फ्रीक्वेंसी में मेरे ख्याल से ट्रेन आती रहती है तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब ये निकलने को बिल्कुल एक्सेलरेशन है भाई, दिक्कत के फील हो रहा है एक्सेलरेशन। चलो अपनी आरआरटीएस जो है वो आ गई। बात करें आरआरटीएस की तो इसका फुल फॉर्म है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसको एनसीआरटीसी और हरियाणा दिल्ली राजस्थान यूपी की गवर्नमेंट साथ मिलकर के ऑपरेट करती है। इसका उद्देश्य है दिल्ली एनसीआर के सभी सिटीज को एक फास्ट कनेक्टिविटी प्रदान करना। चलो इसको खोलने के लिए ना आपको प्रेस करना पड़ेगा तब जाके ये खुलेगा। वाह यार पहला एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब देखो बिल्कुल जो एयरपोर्ट मेट्रो ने देखी है ना बिल्कुल वैसे ही लग रही है, लेकिन थोड़ा उससे और अच्छा फीलिंग आ रहा है इसमें, बाकी ऑलमोस्ट एयरपोर्ट मेट्रो जैसा ही लग रहा है ये। बाकी स्पीड जो है वो देखना पड़ेगा, एक्सेलरेशन जो है वो देखने के लिए बिल्कुल मैं उत्साहित हूँ। चलो
दरवाजे हो चुके हैं बंद और अब देखना है एक्सेलरेशन। वाकई में एक्सेलरेशन जो है वो फील हो रहा है मुझे, और वो देखना होगा जब ट्रेन 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चलने वाली है। अच्छा, ट्रेन की मैक्स रफ्तार तो 160 है ना? 160 किलोमीटर पर आवर। 160 चलेगी अभी? जी सर, अभी नहीं जाएगी इतने सेक्शन में। 150 150 प्लस जाती है अभी भी। अच्छा, बन जब लंबा सेक्शन होगा कि स्टेशन लिमिट में पहुंचने से पहले फिर से स्लो करनी। हाँ, वो भी होता है, कार्स पे स्लो करनी होती है, इंक्लाइन डिक्लाइन जहाँ पे एरियाज रहते हैं जैसे डिपो स्टेशन जाते समय तब स्लो करनी होती है। चलो, तो अगर ये ट्रेन अपने फुल रूट में चलेगी ना तब आपको जो उसकी मैक्स स्पीड है वो देखने को मिलेगी। अभी भी देखो, अगर मैं बताऊंगा कि कहाँ पे 150 प्लस जो है वो ट्रेन चल रही है, और ज़रूर से अगर स्पीडोमीटर काम किया तो दिखाऊंगा आपको। बाकी एक्सेलरेशन जो है वो तो फील हो रहा है मुझे, यहाँ पे अच्छे से फील हो रहा है। ये देखो 130 टच कर चुका हूं, 130 की रफ्तार में ट्रेन चल रही है अभी हमारी। नॉर्मली रफ्तार में हमारी जो राजधानी ट्रेन है वो चलती हैं। ये अपना पहला हॉल्ट गाज़ियाबाद स्टेशन जो है वहाँ पहुँच चुके हैं, और डोर जो है वो ऑटोमेटिक नहीं है, आपको बटन प्रेस करके ही खोलना पड़ेगा इसको। देखो, ये हो गई ट्रेन स्टॉप, पर डोर अपने आप तो नहीं खुलने वाले, वो खुल गया बाहर वाले, लेकिन उसको खोलने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा। ये देखो डोर्स, ये ऑटोमेटिक बंद हो गए, मतलब ऑटोमेटिक बंद होंगे, पर खोलने के लिए आपको बटन जो है वो प्रेस करना पड़ेगा। अब स्टेशन आपको क्या ही दिखाऊँ, सारे स्टेशन जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा बनाया गया है। ये देखो 100 की रफ्तार ट्रेन तो ऑलमोस्ट लाइक 6-7 सेकंड में कर लेती है। बात करें स्पीड की तो ये ट्रेन अभी 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए बनी है, पर अभी फिलहाल ये 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में दौड़ती है। पर आगे ये ट्रेन 160 किलोमीटर की रफ्तार में चलने वाली है, जहां एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की होने वाली है। चलो, अपने लास्ट स्टेशन पहुंचने वाले हैं। हालांकि दुहाई डिपो तक ट्रेन जाने वाली है, पर हम सोच रहे हैं कि दुहाई में ही ट्रेन को डिबोट कर दें। अच्छा देखो, कुछ ऐसा है ट्रेन का इंटीरियर। बाकी अगर बात करूं प्रीमियम क्लास की ना, तो देखो जो सिटिंग है, जो चेयर्स है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, कुशनिंग जो है वो बहुत ही बेहतरीन दी गई है। तो आप आराम से 1 घंटे इसमें सफ़र कर सकते हो, बड़ी ईजिली सफ़र कर सकते हो 1 घंटे। और ये देखो फुटरेस्ट जो है वो भी दिया गया है, तो बढ़िया रिक्लाइन होकर के आप आराम से जर्नी जो है वो इन्जॉय कर सकते हो। और एक चीज़ और है प्रीमियम क्लास में, कि आपको यहाँ पे ना USB चार्जिंग तो मिलता ही है, साथ ही साथ आपको जो लैपटॉप चार्जिंग के सॉकेट है वो भी मिल जाता है। तो अगर आप काम करना चाहते हो लैपटॉप पे तो आराम से आप यहाँ पे वो चार्ज कर सकते हो लैपटॉप को। बाकी बॉटल होल्डर जो है वो आपको प्रीमियम क्लास वाली सीट में मिल जाएगा। और एक और चीज़ कि ये चीज़ जो है ना, मतलब अगर आप ये पर्दे जो है, आप इसको पर्दे की तरह बोल सकते हो, अगर धूप है तो आप इसको गिरा दो बिल्कुल, और धूप से आप बचे रहोगे। ये चीज़ आपको नॉर्मल क्लास में देखने को मिलने वाली है, तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर है। बाकी लगेज के लिए स्पेस देखो तो बिल्कुल ठीक ठाक है, मतलब आराम से आपकी ट्रॉली बैग जो है वो इसमें आ पाएगी, और सभी के लगेज जो है आराम से इसमें आ सकते हैं। बाकी हाँ, अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो खड़े भी होके आप यात्रा करोगे, हालांकि इतने पैसे देकर के कौन खड़े होकर के यात्रा करना चाहेगा, वो थोड़ा डाउट है। तो अभी हमने ट्रेन डिबोट कर दिया था, बाकी नेक्स्ट ट्रेन वापस से हम साहिबाबाद के लिए लेंगे, और उस ट्रेन में अब हम नॉर्मल इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करने वाले हैं। तो ये है दुहाई डिपो की तरफ से आने वाली ट्रेन, और प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। तो चलिए ऑन बोर्ड होते हैं और इकोनॉमी क्लास में जर्नी करते हैं, और देखते हैं कि इकोनॉमी क्लास जो है वो कैसा अलग है। तो ये है नॉर्मल इकोनॉमी क्लास इस ट्रेन का, और अगर बात करूँ इकोनॉमी क्लास की तो देखो बिल्कुल ऐसा है, सीट्स जो हैं बिल्कुल फिक्स्ड है, मतलब रिक्लाइन तो बिल्कुल नहीं हो सकती, और थोड़ी छोटी हाइट में देखो तो अगर आप, तो आपका जो पीछे का रेस्ट करना चाहो, अगर आप हेड को पीछे रेस्ट करना चाहो तो वो नहीं कर सकते हो, आपको बैठना ही पड़ेगा, रेस्ट नहीं मिलेगा आपको। बाकी 1 घंटे की जर्नी जो हो तो आराम से कर सकते हो उसमें। एक और चीज़ है, आपने देखा कि प्रीमियम क्लास में एक लैपटॉप चार्जर था वो दिया गया था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ USB चार्जिंग की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। फुटरेस्ट यहाँ पर नहीं है, बॉटल होल्डर जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, और कर्टन जो वहाँ पर थे ना वो यहाँ पर नहीं है। धूप आएगी तो आपको धूप लगेगी लगेगी। बाकी लगेज के लिए स्पेस जो है वो वैसा ही, आपको वैसे ही लगेज स्पेस जो है वो मिलने वाला है। तो ये डिफरेंस है प्रीमियम और इकोनॉमी क्लास में। हालांकि अभी हमने दुहाई डिपो तक जो टिकट ली थी
प्रीमियम क्लास की वो 100 रुपये की थी, और वही टिकट जो है वो इकोनॉमी क्लास में अराउंड 40 रुपीज़ की होने वाली है। तो 60 रुपये का अंतर है, 60 रुपये में आपको ये अलग फैसिलिटी जो है वो मिल जाएगी प्रीमियम क्लास में। बाकी चलो यहाँ पे एक अलग स्पेस जो है वो दिया गया है, और चलो सत्य भाई से पूछते हैं कि ये क्या है इसका, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं इसमें, तो शायद ज़्यादा अच्छे से बता पाए हमें। ये फोल्ड हो जाती है, तो ये स्ट्रेचर के लिए है। साथ साथ अगर आप व्हील चेयर वाले पेशेंट साथ आए तो उसे यहाँ पे लगा दो, और ये जो बेल्ट है ना, मतलब ये वाली बेल्ट, ये घूम के जाके आप ऐसे लगा सकते हो, तो व्हील चेयर जो है आपकी स्टेबल हो जाएगी। साथ ही साथ इमरजेंसी के लिए, ओनली इन इमरजेंसी व्हील चेयर वाला पेशेंट इसको यूज़ कर सकता है। यहाँ पे एक रेड कलर की बटन है, उसे दबा के आप टॉक बैक कर सकते हो, जैसे कि आपको वंदे भारत वगैरह में देखने को मिलता है। एक्सेलरेशन गाड़ी का बहुत ही तगड़ा है। ये स्पेस आपको मिलेगा जो ट्रेन का जो फ्रंट हिस्सा है, और जो हमें बिजनेस क्लास साइड में तो नहीं देखा, जो फ्रंट हिस्सा है आपको उधर ही मिलेगा टूवर्ड्स, अगर साहिबाबाद आप जा रहे हो तो। चलो फाइनली अपनी जर्नी यहाँ पे होती है ख़त्म। बाकी आपको ये छोटा सा वीडियो जो है वो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मुझे बताइएगा, और मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही नए एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और चीज़, ये जो मेरा एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा लगा, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस था लेकिन कम से कम 150 की रफ्तार में ये रैपिड रेल में यात्रा करके वाकई बहुत ही मज़ा आएगा, कि एक नया एक्सपीरियंस जो है वो देखने को मिला। और फ्यूचर में जब ये ट्रेन मेरठ तक जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, जितने लोग रोज़मर्रा ट्रैवल करते हैं दिल्ली से लेकर के मेरठ के बीच में, उनको बहुत सहूलियत मिलने वाली है। और फ्यूचर में अलग अलग रूट पर भी आपको ये रैपिड मेट्रो ट्रेन जो है वो देखने को मिलने वाली है। फिलहाल चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।